पड़ा हुआ है। एंड सपोज मान लो अभी ये वाटर बॉटल है, क्वाड्स मसल्स को टाई करता है आपके ओवरऑल चेस्ट ग्रोथ के लिए। सो हे फ्रेंड्स, क्या हाल चाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। यू नो गाइज, काफ़ी दिनों से आई वॉज इन रेस्ट बिकॉज रिसेंटली मैंने अपने दांतों का एक्सट्रैक्शन करवाया था, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन घर में बैठना पड़ा। सो मैं वैसा बंदा तो हूँ नहीं जो मतलब घर में बैठा रहे, बिकॉज आई लाइक टू थोड़ा घूमना फिरना। एंड मैंने प्लान किया कि कल से मैं जिम को हिट करूँगा, बिकॉज थोड़ा सा अपने फिटनेस गोल को तो अचीव करना है। एंड जस्ट आज सुबह उठा तो आई जस्ट चेक माई सेल्फ, आई वॉज नॉट फीलिंग एनी पेन एंड फिट और फाइन फील कर रहा था। सो आई जस्ट थॉट बॉडी वेट एक्सरसाइज की जाए एंड मसल मैं भी गेन कर लूँ। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो किसी वजह से या किसी कारण से जिम हिट नहीं कर पा रहे, या एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, या किसी फैसिलिटी से दूर है। सो रेगुलर जिम गोर्स एंड फॉर बिगिनर्स, इनके लिए तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। सो मैं आज ऐसे बॉडी वेट एक्सरसाइज करने वाला हूँ जो आप लोग को हेल्प करेगा। चलिए बिना वक्त गवाए करते आज की ये वीडियो शुरू। आई हैव चेंज माई सेल्फ इन अ कम्फर्टेबल आउटफिट एंड हम करेंगे एक्सरसाइज शुरू। एंड इस बॉडी पार्ट के हम दो दो सेट करेंगे, बट वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए बोलकर खाली मैं एक सेट को डालूंगा वीडियो पे। एंड जनरली आई लाइक टू डू एक्सरसाइज फ्रॉम माय अपर बॉडी पार्ट्स, बट टुडे हम लोअर बॉडी पार्ट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि लेग से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉडी वेट स्क्वाट्स। फॉर दिस आपको अपने शोल्डर विड्थ के अनुसार अपने लेग को खोल देना है। एंड इसके बाद अच्छा जनरली ये आपके क्वाड्स मसल्स को टाई करता है, प्लस थोड़े थोड़े आपके ग्लूट्स को भी टाई करता है। एंड ध्यान रहे कि जब आप स्क्वाट्स को परफॉर्म करोगे, सबसे पहले आपने ये शोल्डर विथ के हिसाब से अपने पैर को खोल देना है। एंड स्क्वाट्स के बहुत सारे वेरियंट्स रहते हैं, एक होता है नॉर्मल स्क्वाट्स जो चाहिए पोजिशन में होता है, एंड थोड़ा सा डाउन वाला, एक होता है डीप स्क्वाट्स। तो आज हम डीप स्क्वाट्स को परफॉर्म करने वाले हैं। तो ध्यान रहे जब आप स्क्वाट्स को परफॉर्म करोगे तो आपकी जो ये नीज है आपके टो लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इसी हिसाब से अपने हाथों को यहाँ पर लॉक कर दीजिए एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 19, 20 नाउ अब लेग के दूसरे एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं जो होगा लंजेस। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने सेम शोल्डर विड्थ के हिसाब से पैर को खोलना है एंड एक आगे स्टेप। सो अभी हम क्या करेंगे, इस को आगे की तरफ बेंड करेंगे एंड इस लेग को नीचे की तरफ। सो इसको ऐसे परफॉर्म करना है। आप इफ़ यू आर अ रेगुलर जन आप इसमें एक डंबल लेके भी कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 19, 20 नाउ आप अपना लेग चेंज कर लीजिए। सेम कंफर्टेबल होना चाहिए जब आप इसको बेंड करोगे। अगेन 1, 2, 3, 19, 20 अब करेंगे कोर का एक्सरसाइज। वैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि कोर का एक्सरसाइज आपको आफ्टर रनिंग करना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ आप एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो देन इट विल बी इफेक्टिव। इसके भी बहुत सारे वेरियंट्स है, बट आज हम करेंगे खाली दो टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो का हाफ क्रंचेस एंड आपका यह दूसरा क्या है प्लैंक। सो जो एडवांस लोग हैं वो बिना सपोर्ट का करते हैं, एंड जैसे इफ़ यू आर अ बिगिनर देन यू कैन डू सपोर्टेड। ओके, तो अभी के लिए मैं सपोर्ट वाला कर रहा हूँ एंड हाफ क्रंच में क्या है कि बस इतना करना है ज़्यादा आपका एप स्क्वीज हो। वैसे हम क्या करते हैं मैक्सिमम करते हैं कि तुम हाफ क्रंचेस कर रहे हो तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा और वो लोग फुल लगा लेते हैं। बट इसमें क्या है कि वैसे इसमें बुरा नहीं है, आप इसको परफॉर्म कर सकते हो, बट इसमें क्या है कि आपके ये बाकी मसल भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपका मेन टारगेट क्या है, इफ़ आपको सिक्स पैक्स यानी कि जैसे बिस्किट फॉर्म है, ठीक है, उसको अगर आपको टायर करना है तो यू हैव टू डू ओनली
टू द पॉइंट जहाँ के आपका ऐप स्क्वीज हो रहा है, यानी कि जैसे इतने में। तो करेंगे इसके भी 30 reps। 1, 2। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाला है कोर का, वो है प्लैंक। एंड इज वेरी इफेक्टिव। इसका तरीका क्या है कि अपने दोनों नी पे, सॉरी नी नहीं, अपने दोनों एल्बो पे आ जाइए एंड आपके दोनों जो पैर हैं पीछे तरफ कंफर्ट पोजीशन। इसके बाद आपने आपको स्क्वीज करना है एंड इस पोजीशन को होल्ड करना है। आप करेंगे 2 मिनट होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5 Now let's move on to next exercise, that is our tricep. And आपके जो है इसको ट्रायंगल कर देंगे एंड इसके बाद डाउन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपने ट्राइसेप के लिए होने वाला है, जो है डंबल किक बैक। ओके, अगर आप जब आपके पास डंबल अवेलेबल नहीं है, वैसे मैं तो डंबल कैरी कर चलता हूँ जब जाता हूँ, बट इफ डोंट हैव डंबल, आप किसी भी वाटर बॉटल में या 2 लीटर या 1 लीटर के वाटर बॉटल में उसमें पानी भर के इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। फॉर दिस आपको हल्का नी बेंड होना है एंड आपने जो ये एल्बो को थोड़ा बैक के से ऊपर ले जाना है। देन यू हैव टू डू लाइक दिस। 10, 11, 12, 13, 14, 15 नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाला है अपना बाइसेप का एंड फॉर दिस डंबल। 1, 2, 3 13, 14 इफ आपके पास डंबल अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी किसी भी अपने बैग में डालकर वेट को, यानी कि पानी बॉटल, सॉरी बॉटल में पानी डालकर 2-4 लीटर बना लीजिए और इसको किसी बैग में डाल दीजिए। अभी मेरे पास मम्मी का ये बैग पड़ा हुआ है एंड सपोज़ मान लो अभी ये वाटर बॉटल है, ठीक है, ये नंबर, तो आप इसमें अंदर डाल दिया एंड यू परफॉर्म लाइक दिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 12 ओके एंड इसी में आपको रिवर्स करेंगे तो ये आपका हैमर कर्ल का भी काम करेगा। तो मेरे पास डंबल है, देन आई विल हैमर कर्ल विद डंबल ओनली। सो ये 2, 3, 4, 5, 6 द नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले शोल्डर का। वैसे मेरा चेस्ट वन ऑफ फेवरेट एक्सरसाइज है तो इसको मैं लास्ट में करूँगा एंड इसके लिए पहले हम अपने शोल्डर को एक इंक्लाइन पोजीशन से, यानी कि आप कोई भी बेड या कोई भी चेयर के ऊपर से अपना पैर रखें। फिलहाल तो मेरे पास अभी ये बेंच है तो इसमें पैर रखेंगे ऐसे और थोड़ा क्लोज जाएंगे। इसके बाद शोल्डर पुशअप लगाएंगे। शोल्डर पुशअप लगाने के बाद नाउ हम करेंगे डंबल प्रेस। इसके लिए डंबल प्रेस रखेंगे एंड 1, 2, 3
अच्छा हाँ, जब भी आप डम्बल प्रेस लगाते हो, तो डम्बल शोल्डर प्रेस, तो मैं लोग क्या करते हैं, हाथ को ऐसे खोल लेते हैं और ऐसे मान लग जाते हैं। बट जो आपका पोजीशन थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, यानी 45 डिग्री के एंगल बनना चाहिए अपने हाथों का, तब जाके आपको डम्बल प्रेस को परफॉर्म करना है। दिस इज़ द राइट वे टू परफॉर्म डम्बल प्रेस, सॉरी डम्बल शोल्डर प्रेस एक्सरसाइज। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। दो, तीन, चार, नौ, चेंज द डायरेक्शन अगेन। इस कतर से क्या है, आपका जो हाथ है ना, ये ग्रिप लोग ऐसे पकड़ते हैं, तो ओके सॉरी, लोग ऐसे पकड़ते हैं, तो आपको ऐसे होल्ड करना है। ओके, ऐसे होल्ड करोगे फिर से पूरा नीचे लैंजिंग, उसके बाद हाथ पूरा ऊपर जाएगा, आपको इधर लेके आना है, ठीक है, ऐसे नहीं उठाना है, यहाँ लेके आना है। तो एक बार सेकेंड एक्सरसाइज दैट वी गोना परफॉर्म इज आवर बैक इज पुशअप्स। आप इसमें नॉर्मल वेट के रखकर आप यू आर कैरिंग आउट पुशअप, देन इट विल टारगेट योर चेस्ट। इसमें आप थोड़ा सा आगे लीन हो जाइए, एंड इफ यू डू लाइक दिस देन इट विल टारगेट योर शोल्डर मसल्स, एंड इसमें थोड़ा सा आप बैक लीन हो जाओगे एंड बैक की तरफ, एंड व्हेन यू कैरी आउट द एक्सरसाइज देन इट विल टारगेट योर बैक मसल्स। फॉर बिगिनर्स यू कैन डू नी पुशअप, बारी आ गई अपना फेवरेट एक्सरसाइज यानी कि चेस्ट के। तो हम चेस्ट की भी दो वेरिएंट करेंगे एक्सरसाइज, एक वाइड पुशअप एंड नॉर्मल पुशअप। तीन नाप का एक गैप ले लोगे अपने हाथ के विथ अपार्ट्स, इसके बाद आप इसको नॉर्मल प्लैंक पोजीशन रखकर पुशअप कैरी करेंगे। तो ये आपका वाइड पुशअप आपके ओवरऑल चेस्ट ग्रोथ के लिए। नाउ द सेकेंड इज वन इज द नॉर्मल पुशअप, जिसके लिए आप नॉर्मल विथ रखोगे एंड यू विल कैरी द पुशअप्स। ये जैसे आपका वाइड पुशअप क्या करता है, आपके ओवरऑल चेस्ट के मास मतलब एरिया को बढ़ाता है, तो ये क्या करता है आपके डेंसिटी यानी कि जो मोटापा है उसको बढ़ाता है। 18, 19 and 20। सो फ्रेंड्स, यहाँ जाके आज का ये वर्कआउट वीडियो का भी एंड करने का टाइम आ गया। आई होप यू गाइस लाइक द वर्कआउट वीडियो, एंड सुन नए नए वीडियो डालते रहूँगा, एंड प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग जिस आप कर रहे हो। टिल देन टेक केयर, सी यू, सायनारा। कैसा लगा आपका वर्कआउट, प्लीज़ डू कमेंट एंड टेल मी। बाय।